अस्सलाम वालेकुम। आज हम मुरादाबादी बिरयानी बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने आधा किलो चिकन का गोश्त लिया है, ये बोन वाला है। इसके अंदर 1 लीटर हमने पानी डाला है, 2 चम्मच ज़ीरा साबुत, 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच साबुत धनिया डाली है, 5 हरी मिर्चें, 2-3 सब्ज़ इलायची, हरी इलायची इसको कहते हैं, लौंग 5-6 डाली है, 1 बड़ी इलायची डाली है, दालचीनी का 1 स्टिक डाला है और तेज़पत्ता डाला है, थोड़ी सी काले मिर्च के दाने भी डाले हैं और 1 चम्मच नमक डाल के इसको खौलाया है। अब इसको जब तक चिकन गल नहीं जाएगा तब तक के हम पकाते रहेंगे। और उसके बाद ये आधा किलो हमने चावल भिगो दिए हैं, इसको 1 घंटा भीगेंगे जब तक ये चिकन इधर तैयार हो जाएगा। ये देखिए चिकन अच्छी तरीके से उबलने लगा है, हमें इसी तरीके से इसको उबालना है। सारे खड़े मसाले इसमें डालने हैं। हमने इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट भी डाला है, जो आपको दिखाना रह गया था। अगर ये मटन की हम बना रहे होते तो हम इसमें अदरक लहसुन और प्याज खड़ा डाल देते, साबुत भी डाल सकते थे, लेकिन ये चिकन का है इसलिए ये जल्दी पक जाएगा, तो इसमें हमने इस पेस्ट डाला है। अब ये चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए और चावल हमारे भीग जाए फिर हम इसको दम करेंगे। ये हमने गैस पे भगोना चढ़ा दिया है, इसमें हमने 200 ml ये वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है। अब इसमें हम ये 1 प्याज है और 2 इलायची हैं, इसको इसमें गोल्डन फ्राई करेंगे। ये देखिए हमने चिकन सारा निकाल लिया है पानी से बाहर अब, और ये इसका जो है ये सूप बना हुआ है, इसको हम अभी चावल इसमें दम करेंगे। ये सारा चिकन अब हम इसमें डालेंगे। थोड़ी देर ये चिकन इसी तेल में और प्याज के साथ फ्राई हो जाएगा। अब इसमें हम 2 मिनट के करीब इसको हम इसमें तल लेते हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको अगर आप चाहें तो इस टाइम थोड़ी सी इसमें मिर्च भी डाल सकते हैं, अगर हरे मिर्चों से तीखापन आपको कम लग रहा हो तो इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर थोड़ी सी पीली वाली मिर्च डाल दी है। अदरक लहसुन के साथ थोड़ी देर ये गोश्त को भून लेंगे और फिर इसमें 50 ग्राम दही फेटा हुआ डालेंगे। ये हमारा होममेड दही है, देखिए किसी दिन हम आप इसकी रेसिपी भी आप लोगों को देंगे। ये दही जो है हम फेंट के इसमें डाल देते हैं। ये देखिए दही इसमें डाल दिया है और अब दही भी भुन गया है। अब हम इसमें ये जो गोश्त में पानी डाला था ये हम इसमें डाल देते हैं सारे खड़े मसालों के साथ।
इसमें अब जब उबाल आ जाएगा तब हम इसमें ये भीगे हुए चावल डालेंगे। इस टाइम हम इसमें नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। ये हमारा एक अपना सीक्रेट है, हम इसमें ये इलायची और जावित्री का पाउडर भी डालते हैं। मुरादाबादी बिरयानी में सिर्फ खड़े ही मसाले की खुशबू होती है, मगर हम ये इलायची और जावित्री का पाउडर भी इसमें डालते हैं, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब ये इसमें जब ये खौल आ जाएगा तब हम थोड़ा सा केवड़ा वाटर भी डालेंगे और उसके बाद इसमें चावल डालेंगे। अब ये पानी खौलने लगा है, थोड़ा सा इसमें केवड़ा जल डाल देते हैं और अब इसमें चावल डाल देंगे। इस टाइम हमें नमक कम लग रहा था, इसमें हमने इसमें एक चम्मच भर के नमक और डाला है। इस वक्त इस पानी में नमक बिल्कुल सही होना चाहिए, अगर नमक फीका होगा तो चावल अच्छे नहीं बनेंगे। नमक जैसा हम खाते हैं वैसा ही होना चाहिए। ये देखिए चावल अब अच्छी तरीके से खौलने लगे हैं। ज़्यादा इनको नहीं चलाना है, बस एक दो बार चला के देखना है और फिर ऐसे ही ढक देना है। जब तक चावल बन रहे हैं तब तक हम इसके साथ खाए जाने वाली लाल चटनी को दिखा देते हैं। ये एक टमाटर लिया है हमने, इसमें ये आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। पीसने के बाद इसमें हम ये थोड़ा सा विनेगर मिला देंगे, वाइट विनेगर जो होता है उसको हम मिला देंगे। तो ये मुरादाबादी बिरयानी के साथ जो रेड कलर की चटनी मिलती है वो तैयार हो जाएगी। ये देखिए अब पानी इसका सूखने लगा है, थोड़े से बबल ऐसे दिखाई देने लगे हैं। अब इसी स्टेज पर हम इसको ऐसे ही दम पे लगा देंगे और कलर जो है बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। जब पानी नीचे का कुछ सूख जाएगा तो एक बार थोड़ा सा इसमें हम कलर डालेंगे और वो आपको दिखा देंगे, क्योंकि अभी अगर डाल देंगे तो सारे चावल लाल कलर के हो जाएंगे, वो जो देखने में बहुत ही ख़राब लगेगा। दम लगे हुए 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें थोड़ा सा ये फूड कलर डाल देंगे और अभी 10-15 मिनट के लिए इसको और दम लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से रेड सॉस बन गई है, जो एक लाल रंग की चटनी मिलती है होटल पे, जो बिरयानी बिकती है उसके साथ ये ज़रूर मिलती है। और ये फ्राइड ऑनियन है, जब हम सर्व करेंगे तो ऊपर से इसको डालेंगे। दही का रायता भी इसके साथ खाया जाता है, जब सर्व करेंगे तो आप। हमने 25 से 30 मिनट तक की ये बिरयानी को दम किया है स्लो मीडियम हीट पर, और गैस ऑफ करने के बाद भी हमने इसको जो है आधे घंटे तक ये नहीं खोला है। बहुत ज़रूरी हो तो 15 मिनट में ढक्कन खोल लें, क्योंकि थोड़ी देर अगर रखा रहने देते हैं तो उससे चावल अच्छी तरह से खिल जाते हैं, नहीं तो चावल टूटने का डर रहता है। अब इसे हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारी मुरादाबादी बिरयानी बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। देखिए चावल कितना खिला खिला बना हुआ है, और इसको ये लाल चटनी, टमाटर और सिरके की, और उसके साथ दही का रायता सर्व करें। एक बार हमारे तरीके से बनाएं। ये बिरयानी बनाना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा पानी का ध्यान रखना है। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।